एवरीबॉडी, इट्स मी सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम सेज में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ। तो हम आज आए हैं बेगूसराय के छोटे से ट्रिप पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़े से कुछ एक दो प्लेसेस। तो फर्स्ट प्लेस जहाँ हम लोग विजिट किए हैं वो है बेगूसराय का बहुत ही फेमस टेम्पल, नौलखा टेम्पल। तो बाहर से तो देखने में, जैसे आप देख सकते हो ये गेट है, बैक जाओ। हाँ, जैसे कि आप देख रहे एंट्रेंस गेट, थोड़ा फोकस करो ऊपर। हाँ, ये है एंट्रेंस गेट, मेन गेट डाउन। हाँ, ये एंट्रेंस गेट है। अब इसके अंदर हम चलेंगे और देखेंगे कि कैसा है। एक्चुअली दिस इज फर्स्ट टाइम जहाँ के हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ मेरी हस्बैंड की पोस्ट है, तो एक्चुअली मेरा एक्सप्लोर किया हुआ नहीं है, तो मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, और आप सब भी मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम देख लो। तो लेट्स गो एंड सी कैसा है टेम्पल, कौन से भगवान है, उनकी उनको प्रणाम करते हैं, उनका ब्लेसिंग लेते हैं, खाते लोगों को जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और मेरे साथ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मेरी मम्मी है, मेरे सिस्टर्स है, मेरे दोनों बच्चे हैं मेधांश और आत्विक, और मेरे हस्बैंड, अभी वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, और मेरा भाई है। सो हम सबसे मिलेंगे थोड़ा थोड़ा देरी देरी से। ठीक है, सब देखो यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ये काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये थोड़ा कैंपस जो है मंदिर का, ये काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। उन्होंने बोला कि चला। सो आप जैसे देख सकते हो, वो था मेन एंट्रेंस जो आपने देखा, और ये है बिल्डिंग का मेन के अंदर का मेन आप बोल सकते हो। तो आप देख सकते हो थोड़े से प्लांट्स लगे हैं, थोड़े से ग्रीनरी है, और ये थोड़ा सा नो क्या बोलोगे, फाउंटेन है या फाउंटेन नहीं है मुझे बोल सकते हो, थोड़ा दिखाओ उधर, थोड़ा सा डर्टी सा हुआ पड़ा है इधर। और ये है ब्यूटीफुल सा मंदिर, अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, और मुझे आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ इतने दिन से थी, एक्चुअली 1.5 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम जो कि मैं इस टेम्पल पे विजिट की हूँ, और मेरे साथ आप लोग भी देख रहे हो इस टेम्पल को। देखते हैं कैसा है, कौन से भगवान जी यहाँ रहते हैं। ओके, लेट्स गो। जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है। और वैसे मैंने आपको अपना ड्रेस नहीं दिखाया, ये है मेरी ब्लैक सी कुर्ती, ये है मेरा प्यारा सा दुपट्टा, ये मैंने ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहनी, ये मेरी वॉच, सिंपल सा मेकअप, और हो गया। एक एक माँ जो है, दो बच्चों की माँ, वो इतना सा टाइम में इतना ही कर सकते हैं, अब इतना ही कर सकते हैं हम। सो आई थिंक इट्स नाइस। तो ये हमारे साथ हैं यहाँ के ही, और ये बता रहे हैं कि ये जो है बेगूसराय जिला का बहुत ही नामी फेमस टेम्पल है, और यू नो कि बहुत ही ज्यादा आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हैं, और यहाँ के दर्शन करेंगे, और थोड़ा सा देखते हैं, पूजा भी करेंगे, और ब्लेसिंग ले लेते हैं, ताकि हम लोग का ट्रिप अच्छा रहे, और आप लोग भी देख लो हमारे साथ साथ। चलो आ जाओ। सो मैंने ब्लेसिंग ले ली, एंट्री कर लिया हमने, और हम अब चलो अब देख लेते हैं कैसा क्या क्या है यहाँ पे। चलो आ जाओ, फिर रास्ता नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हो काफी पीस, काफी काम, काफी यू नो हम लोग आ रहे हैं, इतना धूप है, और बट यहाँ पे ये जो मार्बल्स की वजह से काफी ठंडा, काफी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ मरम्मत कार्य के कारण ऊपर बंद है। सो ये एक डोर है जहाँ पर हम शायद ऊपर जा सकते हैं, बट ये क्लोज है, कुछ काम वर्क वगैरह हो रहा है। आप देख सकते हो ऊपर ऊपर का सरफेस रूफ दिखाओ, आप देख सकते हो कितनी अच्छी, कितना अच्छा ग्लास वाला वर्क है। मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ थी और मैं यहाँ नहीं आई।
With love, yeah, around with me and love cues. Love cues, yeah, love cues. जितनी भी अपने आप को जो चली जाती है शायद वो वाली पिक्चर यहाँ पे गरुड़ जी ले कूद रहे हैं। ये गरुड़ भगवान है। हाँ। ये वाली गरुड़ भगवान जी है। दिखा दो पूजा यहाँ पे थोड़ा सा इनको भी। यही केवट नाव पे भगवान राम जी का चरण धोएगा तब उस पार करेगा। अच्छा फीट जो फीट रहते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा आ जाओ पूजा। तो ये है बेसिक और मंदिर शायद क्लोज है। मंदिर बंद है ना। अच्छा शाम की पहले देखिए। तो आप ये देख लो अंदर से क्योंकि अब टाइम हो चुका है शायद इसलिए मंदिर बंद है। तो आपको जो देख सकता है तो आप देख लो। ऐसे ही है हम लोग बहुत लेट हो गए हैं शायद क्योंकि एक बजे जो भगवान जी का जो मेन जो प्लेस है जहाँ पे भगवान जी हैं नौलखा मंदिर का वो क्लोज है। हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। वो शीशा से जितना भी दिखा वो हमने आपको दिखाया। सो बस यही है। और इसका देखते हैं बाउंड्रीज और यहाँ का ग्रीनरीज क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक कमरा सा है ये हमें लेकर आए हैं अंदर। यहाँ पे जो यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है श्री श्री 108 महंत महावीर दास जी। इनका कहना है कि इन्होंने ही इस टेम्पल को बनाया है। हाँ तो इन्होंने ही श्री महंत महावीर दास जी ने ही इस टेम्पल को बनाने में जो भी अपना योगदान कह सकते हो या फिर बनाना उन्होंने ही कराया है। जितने भी महंत जी वगैरह जो थे उनके कुछ कुछ नेम्स लिख कर कुछ कुछ पिलर्स टाइप का कुछ बनाया हुआ है ताकि हम लोग रिमेम्बर कर सके और उनकी नेम को डिपेक्ट किया गया है एक्चुअली यहाँ पे। सो ये सब आप देख सकते हो। सो लड्डू लड्डू कब ये आप देखो ये है मेरा लड्डू। हेलो बोलो। हेलो गाइस। हेलो भैया हम ये थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं और इसने अपने कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। चलो आ जाओ कैंपस मंदिर का बोल सकते हो या बाउंड्री बोल सकते हो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह का। आई थिंक ये वेल है इस पे जा सकते हैं। और ये है कुआं। आ जाओ थोड़ा दिखा दो। ओहो तो ये है इस मंदिर का कुआं। यहाँ से कुछ पानी यूज वगैरह भी होता है ना। हाँ तो पानी यहाँ का यूज भी होता है पूजा पाठ जो भी यहाँ करते हैं पूजा वगैरह जो भी होता है तो ये कुएं का पानी यूज होता है। तो ये भी कभी केयरफुल बेटा केयरफुल बेटा केयरफुल 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 लेट्स गो देख लिया। आप इधर भी आ जाओ थोड़ा सा इधर भी देख लिया क्या है। तो इधर भी कुछ खास नहीं बट ऐसा ही सिंपल सा कुछ है आप देख सकते हो। इधर दिखाओ थोड़ा देख रहे हैं पूरा बस दैट्स इट। अब चलते हैं दूसरे साइड मंदिर के दूसरे साइड में लोग चलते हैं। लेट्स गो पूजा। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत है जो कि इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना रहा है। हाँ इसको कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है। इसको थोड़ा रिपेयर होगा थोड़ा ये होगा तो ये जो प्लेस है ना इतना ब्यूटीफुल है और ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। सो लेट्स गो और भी देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे ये मेरा छोटा बेटा ये मेरी सिस्टर ये दोनों पिक्चर्स ले रहे हैं। ये है इस कंपाउंड का ही मंदिर के कंपाउंड का ये दूसरा साइड है। अब देखो काफी नाइस है। यहाँ पे कोई भगवान जी का कुछ स्टोन रख आई मीन
कोई भगवान जी हैं जहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, बट हाँ भगवान जी हैं। काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा सा मंदिर है, अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे बच्चे तो बहुत लड़े थे, काफ़ी उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब से मैं घर आया ना, तो हमें कोई पार्क जो होता है ना, एक प्रॉपर पार्क जहाँ हम बच्चों को लेकर जाकर विजिट करें, उनको थोड़ा सा प्ले करें उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन है, तो इसको काफ़ी मज़ा आ रहा है लड्डू को, इसलिए वो इन्जॉय कर रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। इधर 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 दौड़ के आ जाइए, मौसी के What is this? Leaf, 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 leaf. Yes. So, हमने देख लिया ये मंदिर, अब चलते हैं कुछ दूसरे जगह को देखने के लिए, और बस देखते हुए हम निकलेंगे यहाँ से। So, ये था छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर, अब इसको हम लोगों ने देख लिया है। और ये छोटा सा आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये कौन से पौधे हैं मुझे पता नहीं है, ये कौन से प्लांट लगे हुए हैं, बट ये डेफिनेटली कोई फ्लावर्स ही होंगे जो कि पूजा वगैरह में यूज़ होते होंगे, या फिर कुछ ऐसे ही सो प्लांट वाले जो पौधे होते हैं वही है। और ये मंदिर जो है ना, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और आप आओ जो भी हो यहाँ पर, ज़रूर देखो इसको। हो गया ये मंदिर का टूर, हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ ये मेरी दी बहन फोटो खींचते सेकंड। अब ये कौन सा मंदिर है? वो एक मंदिर आपने हम लोग देखा, और ये एक मंदिर है श्री मंदिर। इसके भी जो फाउंडर को हो या फिर क्रिएटर जो बोलो, श्री महंत महावीर दास जी हैं। और ये मंदिर जो है 1939 में बना है, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, हम लोगों को अभी अलाउ नहीं हो रहा है जाने के लिए, मे बी कुछ होगा, आज डे नहीं है शायद खुला हुआ वजह से, और ये बंद है। आप यहाँ नज़दीक से आप दिखाओ थोड़ा ये मंदिर, ये भी काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है बट प्यारा सा मंदिर है। हाँ ये अच्छा है, छोटा सा पूल। तो ये है मंदिर का एक छोटा सा पूल बोल सकते हो, या फिर तालाब बोल सकते हो, कुछ भी शायद यहाँ पे जो भी जो सीज़न होता होगा पूजा वगैरह करने का, तो यहाँ पे लोग करते होंगे, नहाते होंगे, पूजा करते होंगे, छठ वगैरह। हमारे बिहार का जो फेमस जो फेस्टिवल है, पर्व जो महापर्व कहा जाता है छठ, उसके पर्पज़ से भी इसको यूज़। या दिस इज़ अ पूल, दिस इज़ अ वाटर, दिस आ जाओ। हाँ, तो आप देख सकते हो इसकी हालत जो है ना, काफ़ी बुरी है, और जब तक हम समझेंगे नहीं ना कि हमें गंदा नहीं करना है, तब तक सफाई हो ही नहीं सकती है, चाहे वो मन की हो, या फिर अपने एनवायरनमेंट की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो। लगता है लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमें इसको साफ रखना पड़ेगा। यहाँ पे इतना खूबसूरत मंदिर है, बट ये जो लेक देख रहे हो ना, थोड़ा सा डर्टी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर्टी है। अब देख सकते हैं इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो ये भी अच्छा है, बट थोड़ा क्लीन हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सो हेलो गाइस, तो ये दूसरा मंदिर है, सेकंड मंदिर ये है, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हो कि 7 हॉर्स है, 4 इधर है और 2 इधर है, तो आई थिंक ये सूर्य मंदिर ही है, बट हम जान पाए क्योंकि आई थिंक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट देख के लगता है कि ये सूर्य मंदिर ही है। और ये जो सामने आपने देखा थे, देखो ये शिव जी का मंदिर है, और ये सामने आपने देखा इधर देखो वो पार्वती मंदिर है। एक कहा जाता है, इधर देखो, कहते हैं कि बेगूसराय का बाबा धाम इस जगह को बोलते हैं कि बेगूसराय काम मतलब बाबा धाम के बराबर है ये जगह। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है जय माँ जयमंगला देवी का मंदिर, और ये है मेरी मम्मी जो कि अब जाएगी थोड़ा पूजा करने, और हम लोग भी जाएंगे थोड़ी ही देर में। पहले मम्मी पूजा करके आएगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको ये पूरा मंदिर अच्छे से दिखाऊंगी घुमाकर। मम्मी जाओ, ये मेरी माँ गई अंदर। आप जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप सुन सकते हो कि यहाँ पे चैंटिंग वगैरह भी हो रही है, और ये मेरी मम्मी गई अंदर।
और माँ मेरी चली गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक छोटा बच्चा है जो कि क्लीनिंग कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर के ऊपर शूज पहन के नहीं जाते बेटा, शूज पहन के नहीं जाते। शूज खोल दीजिए बेटा, आप भी लड्डू शूज खोल दीजिए। हेलो, से हेलो। लड्डू डिंग डोंग बेल, जैसे कि आप सब देख सकते हो, जैसे लड्डू यहाँ पे बेल बजाने की कोशिश कर रहा है बट उसे बज नहीं रहा है, उसकी मसीहा फाइनली उसने बजा ही लिया। अंजू इधर देखो, ये इबू मासी की गोदी में। हेलो इबू, स्वेटर खाते हुए, अपनी टी शर्ट को खाते हुए इबू। और मम्मी का पूजा हो गया डन और मम्मी आ रही है। ये मेरा छोटा बेबी इबू, क्या कर रहे हैं? वाह, केयरफुल बेटा, क्या कर रहे हो इबू? अंजू इबू इबू से बेल बजवाओ। लड्डू इबू बजा दीजिए, बेल बेल बजा। मंकी है बेटा, मंकी मंकी मंकी। पूरा कंपाउंड भी आप सबको देख ही लो क्या है भाई यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा और एक मंदिर है। अच्छा ये है, ये शायद शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा शिवलिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा शिवलिंग है। तो ये है एक शिव जी का मंदिर और ये बहुत ही बड़ा सा पेड़। ये है, ये एक्चुअली यहाँ कंवर लेक का जो एरिया है उसी में ये पड़ता है। ये जो मंदिर है उसी में ये जयमंगला मंदिर का पड़ता है। और ये है पूरा यहाँ का व्यू जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पे छोटा सा शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ से हम पूजा पाठ वगैरह का सामान वगैरह हम ले सकते हैं और माता की पूजा कर सकते हैं। अभी भी आप जैसे सुन सकते हो कि चैंटिंग्स वगैरह की साउंड आ रहा है जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देखो, मैं आपको पूरा ही घुमा कर दिखा देती हूँ। जैसे कि ऐसा कुछ खास नहीं है। और अच्छा ये जस्ट बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ हम लोग शायद सीजन नहीं है कह सकते हैं, शायद इस वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे यहाँ महावीर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे एक है, ये शायद कुआं है, शायद नहीं ये कुआं है। आप ये देखो, ये है कुआं, जैसे कि आप उसका देख सकते हो उसमें लटका हुआ है, वहाँ से रूप जो है कुएं के अंदर जाती है। और ये है एक और मंदिर, और यहाँ से हम लोग एंटर किए थे। और ये पूरा है एरिया इसका। यहाँ
यहाँ पे मम्मी का पूजा हो गया खत्म और ये लोग सारे लोग निकल रहे हैं बाहर। आओ मम्मी, चलो। ये रही सुप्रिया, ये रही मम्मी और ये रही मेरी बहन पूजा। हेलो पूजा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, जैसे कि आप ये बोर्ड देख सकते हो, इस पे लिखा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बेगूसराय वन प्रमंडल। ठीक है, तो इस तरह जो भी है ये सारा इस पे लिखा हुआ है। और इसकी हालत अगर हम आपको दिखाएं, ये लग ही नहीं रहा है इट्स अ लेक। और यहाँ पे बहुत शादी होंगी, देख रहे हो आप। यही है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। वी थॉट कि कुछ अच्छा होगा, बोटिंग वगैरह अच्छी होगी यहाँ पे, बट ओके कोई नहीं। शायद अभी ये खेत खलिहान बन चुका है। हाउ इबू, हेलो हेलो इबू, गोभी करने आए हो? हाँ हेलो बोल दो। हो करेंगे इबू, हेलो हेलो कर दे। हेलो हेलो, बाय बाय। लड्डू व्हाट यू डूइंग? ओह दैट्स डेड फ्रॉग। What is this? I don't know. You don't know? That is a frog. कर दिए वीडियो पूजा। चलो जैसे हाथ मेरे नीचे करने भी लग रहा है, तो ऐसे आया तुम्हें बैलेंस बनाया, तुम्हारे खुद इतनी बड़ी बैलेंस।